आज की रिसेंट अव्यक्त वाणी है सत्ताईस दो 2014। हेडिंग दिया है सेवावतरण पर व्यर्थ को समाप्त करने की विशेष सौगात बाप को दो। विशेष अटेंशन दे करके एक मास निर्विघ्न अवस्था की अनुभूति करो। आज सभी लाडले बच्चों को शिवावतरण शिव जयंती की मुबारक हो। मुबारक हो। आज के दिन बाप दादा ने देखा कि सवेरे से लेके सभी के दिल में परम पिता परमात्मा अवतरण की यादगार की बहुत बहुत खुशी है। क्योंकि बाप के अवतरण के साथ आप बच्चों का भी दिव्य जन्म हुआ है। अवतरण माने ऊपर से नीचे आना। पास्ट की बात बताई, बाप अकेले नहीं आते हैं। कौन सा बाप? शिव बाप। जब आते हैं तो त्रिमूर्ति के बच्चों के साथ आते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनके साथ ही दिव्य अवतरण होता है। तो बच्चे बाप को मुबारक दे रहे हैं और बाप दादा आप एक एक को आपके भी दिव्य जन्म की लाख गुणा विवार मुबारक दे रहे हैं। हर एक के मन में जन्म से लेकर के अब तक के सारे संगम की यादें दिल में समा रही है। आज सबकी बुद्धि में सेवावतरण की खुशी है और बाप को भी बच्चों के दिव्य जन्म की बहुत बहुत खुशी है। वाह शिकील दे मीठे मीठे बच्चे वाह, क्योंकि बाप के साथ आप बच्चों का भी ये अलौकिक दिव्य पूज्य जन्म है। इस संगम पर बाप के साथ अवतरित हो अर्थात नया जन्म लेके विश्व कल्याण के कर्तव्य के निमित्त बने हो। बाप के साथ आप बच्चे भी हर कर्तव्य में साथी हो। सभी को उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है। दिल में उमंग है ना, उमंग है तो हाथ उठाओ। अच्छा, बाप दादा ने भी देखा मेजॉरिटी बच्चों ने में अपना राज्य आने की बहुत खुशी है, क्योंकि जानते हैं हमारा राज्य आया कि आया। ये शिवरात्रि सभी बच्चों को बाप के अवतरण की खुशी दिलाती है। तो आज सबके मन में शिव आपकी याद समाई हुई है, हमारा बाबा आ गया।
हमारा राज आया कि आया, बाप दादा भी बच्चों के उमंग उत्साह को देख बच्चों के गीत गाते, वाह बच्चे वाह। बाप ने देखा कि विशेष सेवा में लगे हुए बच्चे दिन रात खुशी में दिल से गीत गाते हैं, हमारा राज्य आया कि आया। अब उस राज्य में जाने की तैयारी जानते तो हो, तो आज शिवरात्रि पर हर एक अपने दिल का चार्ट देखना कि अपने राज्य में जाने के लिए अपने में संपूर्णता कितनी लाई, क्योंकि संपूर्ण राज्य में जाना है। जहां दुख का नाम निशान नहीं, तो अभी से अपने दिल में सदा निर्विघ्न रहने के संस्कार देखते हो, विघ्न आने के पहले ही निर्विघ्न अवस्था को निर्विघ्न अवस्था की अनुभूति होती है। अभी बाप दादा बच्चों में विघ्न विनाशक की विशेषता भी देख रहे हैं और देखना चाहते भी हैं। बाप का निर्विघ्न साथी बन करके चलने का पक्का संस्कार कोई कोई बच्चों का है, अटेंशन है, लेकिन अटेंशन का अर्थ है नो टेंशन, इस बात के ऊपर अच्छा ध्यान है। क्योंकि अभी आप निमित्त बने हुए बच्चे निर्विघ्न अवस्था के अनुभवी बनेंगे, तभी आपकी निर्विघ्नता का वाइब्रेशन पुरुषार्थ ही बच्चों को पहुंचेगा। तो आज बाप दादा देख रहे थे कि निर्विघ्न स्थिति कितना समय रहती है। कोई कोई बच्चों की रिजल्ट अच्छी है, अच्छी अटेंशन देने की देखी, उन बच्चों को बाप दादा आज शिव अवतरण के दिन यादगार शिव अवतरण का, तो आज के दिन से निर्विघ्न रहने का लक्ष्य रखने वालों को बाप दादा अवतरण के दिन की मुबारक भी देते हैं और दिलाराम दिल का प्यार भी दे रहे हैं। दिल में गीत गा रहे हैं, वाह बच्चे वाह, अटेंशन देना अर्थात नो टेंशन, उसकी निशानी है अटेंशन, कि टेंशन ना हो। तो आज बाप दादा चेक कर रहे थे, ऐसे बच्चे भी हैं लेकिन सदा टेंशन में रहने वाले जितने बाप चाहते हैं उतना कम है। तो आज के अवतरण दिवस पर बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा अभी अपने पुरुषार्थ अनुसार अपने पास नोट करे, जो भी समय अपने अनुसार आप फिक्स करो उतना समय निर्विघ्न रहे, क्योंकि आगे चल करके निर्विघ्न का टेंशन रखना आवश्यक है। इसलिए बाप दादा चाहते हैं सारे विश्व के चारों ओर के बच्चे अब अपने समस्त हिम्मत के प्रमाण फिक्स करें कि इतना समय में आत्मा निर्विघ्न रह सकती हूँ, और अटेंशन से रह करके देखें। निर्विघ्न रहना सहज है या मुश्किल है? जो समझते हैं अटेंशन से सहज है वो हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ उठाओ, ताकत नहीं है तो नहीं उठाओ। तो बाप दादा एक मास के रिजल्ट देखना चाहते हैं, सिर्फ एक मास, ज्यादा नहीं बताते हैं।
तो एक मास संकल्प भी निर्विघ्न, कोई व्यर्थ संकल्प नहीं। स्टॉप कहा तो स्टॉप, अभी संकल्प के ऊपर अटेंशन की आवश्यकता है। 27/2/2014 की वाणी का दूसरा पेज। तो चेक करना हर एक संकल्प में भी निर्विघ्न रहे, कोई व्यर्थ संकल्प नहीं। क्या अपने संकल्प शक्ति पर इतना टेंशन है? संकल्प अपनी शक्ति है, अपनी शक्ति है ना, तो निर्विघ्न रहने का प्लान सोचो। एक मास के लिए चेक करो, जो सोचो वो हुआ, क्योंकि माया भी सुन रही है। कितनी भी अवतरण के अनुसार वातावरण की माया हो, लेकिन वातावरण का प्रभाव अपन के शुभ संकल्प में विघ्न रूप न बने। इसमें सफलता हो तो 15 दिन के अंदर चेक करना, व्यर्थ संकल्प भी नहीं, सदा दिल में बाप समाया हुआ है। अभी कुछ समय इस बात पर, संकल्प के पुरुषार्थ पर अटेंशन देना। वाणी और कर्म तो मोटी चीज है, लेकिन संकल्प भी व्यर्थ न हो, क्योंकि एक संकल्प की चेकिंग आवश्यक है। भले वाचा कर्मणा भी है, लेकिन मनसा शक्ति पावरफुल होने से वाचा कर्मणा में फर्क पहुंच जाएगा, बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो बाप दादा आज मनसा संकल्प की तरफ अटेंशन खिंचवा रहे हैं। जो निमित्त महारथी हैं, अब मनसा शक्ति के ऊपर अटेंशन दो। वाणी और कर्म तो ऑटोमेटिकली ठीक हो ही जाएगा। तो बाप दादा आज मनसा संकल्प के लिए इशारा दे रहे हैं, क्योंकि वेस्ट थॉट्स जो आवश्यक नहीं है वो भी टाइम ले लेते हैं। वो समय बचाना है, ये हो सकता है, हो सकता है तो हाथ उठाओ। अच्छा, उमंग उत्साह वाले तो बहुत हो, इसके लिए शाबाश। अभी उमंग उत्साह की कर्म तक लाओ, हिम्मत लाओ, इसमें भी पास हो जाएंगे, क्योंकि बाप को साथ रखेंगे ना, तो बाप का साथ होने से ऑटोमेटिकली व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। तो आज बाप दादा वेस्ट थॉट्स उसके ऊपर अटेंशन खिंचवा रहे हैं, क्योंकि इसमें टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। टाइम को तीव्र पुरुषार्थ में लाना है, तो आज बाप दादा व्यर्थ के ऊपर अटेंशन खींच रहे हैं, क्योंकि बच्चे कहते हैं खराब संकल्प तो नहीं है, ये छोटे छोटे व्यर्थ संकल्प हैं, लेकिन कभी भी धोखा समय पर दे सकते हैं, इसलिए व्यर्थ को भी कम करो। तो मनसा वाचा कर्मणा कर्म में संबंध संपर्क सब में चेक करो कि वेस्ट कितना है और बेस्ट कितना है, क्योंकि इस शिवरात्रि पर बाप को कोई सौगात तो देंगे ना, देंगे। हाथ उठाओ।
तो बाप दादा यही सौगात चाहते हैं कि व्यर्थ को समाप्त करो, अटेंशन दो। बुराई के ऊपर तो अटेंशन है, लेकिन व्यर्थ के ऊपर भी अटेंशन देना है, क्योंकि व्यर्थ में समय बहुत वेस्ट हो जाता है। तो आज के दिन शिव जयंती के उपलक्ष्य में व्यर्थ के ऊपर अटेंशन देने का होमवर्क बाप दादा दे रहे हैं। पसंद है ना? पसंद है? हाथ उठाओ। पसंद है तो सब पास हो जाएंगे। पसंद है तो पसंद चीज तो दिल से की जाती है, तो मुबारक हो, मुबारक हो। मेहनत तो नहीं हो सकती है? मेहनत लगती है। अरे अटेंशन से मेहनत कम हो जाती है, करके देखो सब पास हो जाएंगे। रिजल्ट पूछेंगे ना कि एक मास के बाद मेजॉरिटी पास हो गए, हो सकता है ना? हो सकता है तो हाथ उठाओ। अच्छा, ये तो सभी हाथ उठाए रहे हैं, तो बाप दादा कहते हैं वाह बच्चे वाह, लक्ष्य से लक्षण स्वतः है और सहज हो जाएंगे। अच्छा, एक एक बच्चे को बाप दादा तीव्र पुरुषार्थ का इनाम देगा। पसंद है ना? अच्छा, आज के दिन की शिवरात्रि का दिन है, तो आज के दिन की विशेष मुबारक और दिल का प्यार। आज बाप दादा ने देखा डबल फॉरनर्स बहुत हैं, उठो देखें कितने हैं। देखो वाह भाई वाह, बाप दादा खुश है, अटेंशन अच्छा है, बाप दादा दिल की दुआएं दे रहे हैं, भारतवासियों को भी हैं। आजकल विदेशियों की सीजन है तो बहुत तरफ से आए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि काफी देशों से पहुंच गए। कोई ने कहा 80 देशों से 1200 डबल विदेशी आए। अच्छा, सब डबल खुश है ना? तन से मन से दोनों से अच्छा है। सेवा की तरफ भी अटेंशन है, और जितना बढ़ा सको सेवा उतनी बढ़ाते जाओ, क्योंकि अचानक कुछ भी हो सकता है। इसलिए सेवा को बढ़ाते जाओ, क्योंकि अपना राज्य आना है ना, तो अपने राज्य में तो राज्य करेंगे ना। जितना हो सके उतना आत्माओं को बाप का परिचय दे दो। बाप आया और चला जाए और बच्चों को पता न पड़े। तो जितना हो सके उतना संदेश जरूर दो। क्या कहा? बाप का परिचय तो दे दो। बाप आया और चला जाए। 69 में चला नहीं गया है? बाप आया ब्रह्मा के तन में 1947 में, और 1969 18 जनवरी को ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया। इस ब्रह्मा के तन में बाप आते थे मुरली चलाने के लिए, वेदवाणी सुनाने के लिए। तो बाप आया और चला नहीं गया क्या?
नहीं चला गया है? माँ बाबा जो आते हैं वो बापू उसी को बोलते हैं। माँ बाबा आते हैं बोलते हैं गुलजार दादी जो आते हैं वो शिव बाबा के साथ वो ये समझते हैं। गुलजार दादी में तो साबित हो गया कि ब्रह्मा ही आता है, ये बात तो ज्यादातर ब्रह्मा कुमारों ने भी मान ली कि शिव बाप नहीं आता, कौन आता है? ब्रह्मा बाबा आता है। शिव बाप का तो दिव्य जन्म है, मनुष्य आत्माएं भूत प्रेतों की तरह प्रवेश करती है, उनका चेहरा मोहरा बदल जाता है। और शिव बाप ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते थे तो चेहरा मोहरा नहीं बदलता था, ये दिव्य जन्म की निशानी है। अब यहां तो बोला है कि जितना हो सके उतना आत्माओं को बाप का परिचय दो, ऐसा ना हो कि बाप आया और चला जाए और बच्चों को पता ही ना पड़े। ऐसा हो गया कि होना है, इस वाक्य से तो ये लगता है कि बाप चला नहीं गया और धर्म पिताओं की तरह बाप नहीं है, और धर्म पराए पिताएं आए और चले गए, दुनिया में परिवर्तन तो कुछ भी हुआ नहीं, दुनिया के स्वभाव संस्कार सब खराब होते गए। यहाँ तो बेहद का बाप आया हुआ है, वो सारी दुनिया के दैवी स्वभाव संस्कार बनाने आया है, तो बीच में थोड़ा ही चला जाएगा, काम पूरा करके जाएगा, सुख की दुनिया बना के जाएगा या दुख की दुनिया बढ़ती ही जाएगी? सुख की दुनिया बना के जाएगा। तो ऐसे बाप जो आया है उसका परिचय देना है, जितना हो सके उतना संदेश जरूर दो, फिर पश्चाताप तो करेंगे कि बाप आया और हमको सुनाया भी नहीं गया, या तो सुनाया गया लेकिन हम नहीं चले। बाप अपना संदेश देने का काम बढ़ाते चलो, कोई लेना नहीं दे, हम तो पास में रहता था, किसके पास? ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास। कोई उलहना न दे, पश्चाताप न करे। क्या पश्चाताप? नहीं, हम तो पास में रहते थे, हम तो एक गली में रहते थे तो भी हमको पता नहीं पड़ा। ऐसे भी तो बहुत होंगे, तो अच्छा है, फॉरेनर्स की रिजल्ट भी अच्छी है, मधुबन से प्यार है। और आपको पहले भी बताया कि आपके सेवा के बाद बाप दादा विश्व सेवाधारी प्रसिद्ध हुए, आप भी जहां कोई रहा हुआ है पहले भी सुनाया, जहां तक हो सके संदेश तो मिले। किस बात का संदेश? कि बच्चों की सेवा के बाद बाप दादा विश्व सेवाधारी प्रसिद्ध हुआ। विश्व सेवाधारी या भारत सेवाधारी? ब्रह्मा के लिए क्या कहें?
ब्रह्मा बाबा जब तक रहे तब तक भारत में सेंटर्स खुलते रहे, संदेश फैलता रहा, या विदेशों में भी सेंटर्स खुल गए? भारत में ही खुले, क्योंकि वो नाम ही है ब्रह्मा, और ब्रह्मा का नाम तो भारत में प्रसिद्ध है, विदेशों में तो प्रसिद्ध नहीं है। तो ब्रह्मा माने माँ, बड़ी माँ। बड़ी माँ घर में काम करेगी या बाहर काम करेगी? तो भारत है, घर है तुम बच्चों का। तो आपकी सेवा के बाद बाप दादा विश्व सेवाधारी प्रसिद्ध हुए। तो जहां तक हो सके संदेश मिले कि हमारा बाप आया, कोई चले या नहीं चले ये उन्हों के ऊपर है, लेकिन आपकी तरफ से परिचय तो मिले, फिर पश्चाताप करेंगे, लेकिन मालूम तो पड़े ना। सत्ताईस दो चौदह की अव्यक्तवाणी का तीसरा पेज। फिर भी रिजल्ट अच्छी है, बहुत अच्छा है। जहां भी आए हो, जहां से भी आए हो, मेहनत करके आए हो, तो मेहनत का फल आपको मिलेगा भी और जमा भी हुआ। बहुत अच्छा, बैठ जाओ। डबल फॉरेनर्स को देखो, टाइटल क्या है? डबल फॉरेनर्स कभी भूलते नहीं होंगे, हम डबल विदेशी हैं। है? क्या नहीं भूलते होंगे? है? कैसे? डबल फॉरेनर्स कैसे? लौकिक परिवार से भी निकाले हुए और जो अलौकिक ब्राह्मण परिवार है उनके दिल से भी निकाले हुए, दोनों देश से निकाले हुए, माने डबल विदेशी। आज सेवा कटन राजस्थान जोन का है, 5000 राजस्थानी आए हैं। बाप दादा ने देखा कि हर एक जोन की ड्यूटी बंधी हुई होने के कारण अच्छी रिजल्ट है, वो जोन खास अटेंशन देता है। मेजॉरिटी रिजल्ट अच्छी है। आप क्या समझती हो? रिजल्ट अच्छी है ना? बहुत अच्छा। ये जोन जोन को मिलता है ना, तो अच्छी सेवा में सहयोगी भी है और जोन को भी विशेष मिलता है। दादियों का भी अटेंशन जोन पर पड़ता है, ये अच्छा लगता है ना? हाथ उठाओ। पहली बार बहुत आए हैं, तो पहली बार आने वालों को पहला नंबर लेना है, क्योंकि इतना समय जो मिस किया उस समय को पूरा करना है। इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बनना, ढीले ढाले तीव्र पुरुषार्थी नहीं बनना। तो पुरुषार्थी तीव्र बनना मंजूर है, तीव्र पुरुषार्थी। कोई ने कहा दादी रतन मोहिनी जी को डॉक्टरेट की डिग्री मिली है, ये भी संस्था की शान है। तो ब्रह्मा कुमारी सब कुछ कर सकती है। नहीं तो सोचते हैं पता नहीं ब्रह्मा कुमारियां क्या करती हैं, इसे समझते हैं तो हा ऑलराउंड सब तरफ पहुंच सकती हैं। अच्छा, जानकी दादी बोली।
वंडरफुल बाबा, कमाल है आपकी, सारे दिलों को खींच लेता है। ठीक, दिलाराम है ना, दिलाराम के पास दिल पहुंच गई, कोई ने कहा सभी को कैसे पता पड़ेगा, पता पड़ जाएगा, जो रहे हुए हैं उनको पता पड़ता जाता है। अभी उमंग उत्साह से रहे हुए स्थान को पहुंचाओ सभी को, आप कराओ, बाबा करा रहे हैं, आप सभी भी कराते रहेंगे और बाप अभी भी कराता रहेगा। कहां जाएंगे, शरीर की खिटपिट होती रहती है, कोई ने कहा, कोई बात नहीं है, बच्चों को तो आगे बढ़ाने में निमित्त है, क्योंकि बच्चों को ही सामना करना पड़ता है, फिर भी बच्चों द्वारा ही करना पड़ता है। मोहिनी बहन ने बाप दादा को बधाई दी, आपको लाख गुना मुबारक हो। रमेश भाई ने कार्ड दिया, आपको हजार गुना पदम गुना मुबारक। ब्रजमोहन भाई से अटेंशन है और आगे बढ़ते चलो। भूपाल भाई से ठीक है, बहुत अच्छा, बाप दादा को सभी के भेजे हुए कार्ड दिखाए, कोई ने रसिया और नलनी बहन का कार्ड दिखाया, अच्छा, उनको कहना बाप दादा ने देखा, उनको फल या टोली भेज देना, विदेश की बड़ी बहनों से। सभी महारथी इकट्ठे हो गए हैं, देश के भी और विदेश के भी, जिसे संगठन अच्छा लगता है ना, उन्होंने कहा सभी देश मिलकर एक साथ कोई सेवा करें, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं और सफलता भी है। बाप दादा खुश हैं, चाहे देश वाले चाहे विदेश वाले, मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का फल भी मिल रहा है, फल निकल रहा है, इसलिए मुबारक हो, मुबारक हो। निमित्त तो आप लोग हो ना, बाप दादा तो आपको बल देता है, लेकिन दुनिया के आगे तो बच्चों को ही करना है ना। कोई ने कहा कोयम्बटूर से डॉक्टर जी आए हैं, अभी तो डबल डॉक्टर, सिंगल डॉक्टर नहीं डबल डॉक्टर बनना है, पक्का हो गया, पक्का, अच्छा है, आगे बढ़ते जाओ, सेवा में आगे बढ़ते जाओ। आपके पास तो बना बनाया संदेश देने का साधन है, तो बहुत सेवा करो और करेंगे, अच्छा है। बाप दादा ने अपने हाथों से शिव ध्वज फहराया, सभी के दिल एक ही शब्द बोल रही है, वाह शिव जयंती, वाह वाह शिव बाबा सा वाह, ओम शांति।
याद करते करते डायरेक्शन तो है कि साकार में निराकार को याद करना, लेकिन याद करते करते 63 जन्म के संस्कारों के अनुसार बुद्धि का लगाव कहाँ हो जाता है? ऑटोमेटिक साकार में हो जाता है। तो अगर साकार में लगाव लग जाता है तो शिव के जो नियम हैं, उन नियमों का उल्लंघन किया या समर्थन किया? उल्लंघन कर दिया। तो हमारा अटेंशन रहना चाहिए कि साकार में तो याद करना है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए साकार में ही फंस जाए, वो साकार ही साकार याद आता रहे और निराकार वो उड़ जाए। बैलेंस रखना है। हमें जड़वत अवस्था में रहना होगा। उस समय हमें जड़वत अवस्था में रहना, क्यों? साकार नहीं है वो, साकार में नहीं है, परमधाम में है। तो फिर उस साकार को ही आप परमधाम समझिए। शिव इस सृष्टि पर आया हुआ है या परमधाम में है? ऊपर है। मुरली में तो बोला जो मुझे ऊपर याद करते हैं वो है शूद्र संप्रदाय। तो आप शूद्र संप्रदाय बनना पसंद करेंगे या ब्राह्मण संप्रदाय बनना पसंद करेंगे? अगर ब्राह्मण संप्रदाय है तो आप साकार में याद करने वाले हैं ना, इस साकार सृष्टि पर आया है ना, साकार सृष्टि में भी मुकर्रर रथ में आया है ना, तो मुकर्रर रथ उसके रहने का स्थान हुआ या नहीं हुआ? है हुआ। परमधाम में भी जब बेसिक में याद करते थे बिंदु को याद करते थे तो बिंदु के साथ परमधाम नहीं याद आता था, है आता था। ऐसे यहां भी है, ऐसा ना हो कि निराकार छूट जाए और सिर्फ साकार याद रह जाए। तो क्या होगा? है क्षिप्र गति वाले पुरुषार्थी बनेंगे, तीव्र गति वाले पुरुषार्थी बनेंगे या धीमी गति वाले पुरुषार्थी बनेंगे? धीमी गति वाले पुरुषार्थी बनेंगे। इतना निश्चय है, नियत है, पक्का है कि जो साकार मिट्टी का पुतला है उसकी भी सदगति होगी या दुर्गति होगी? तो सदगति होना तो निश्चित है। इसलिए भक्त लोग जो हैं, वो भगवान के चरणों की धूल भी कहाँ लगाते हैं? मस्तक पर लगाते हैं। बाबा का परिचय देने के बाद किसी को विजिटिंग कार्ड देते हैं ना समझाने के बाद, तो वो अगर फैमिली दे तो उसका बाप कर्म उन्हें थोड़ी लगेगा। आपने अगर समझाते समय घरवाली की याद कर ली और घर की तरफ बुद्धि जा रही है जल्दी जाएं जल्दी जाएं, और आपने उल्टा पलटा ऐसा ही कुछ समझा दिया जैसा आप समझा सकते हैं अच्छे तरीके से वैसा नहीं समझाया, तो कुछ न कुछ तो पाप लगना चाहिए ना? नहीं लगना चाहिए? है लगना चाहिए, लगना चाहिए। बाबा तीन बातों का संदेश दे करके फिर हम जब कार्ड देते हैं उनको तो फिर बोलते हैं कि कहीं पाम में मत फेंकना, कहीं रास्ते में फाड़ के नहीं फेंक देना, पूजा में रख देना। तो कहते हैं पूजा में रख देंगे, ऊपर क्या पता फाड़ के फेंक भी देती हूँ तो फिर पाप तो हमें लगे। क्या पता ये आपका अनुमान है या यथार्थ है, आप हमें बताइए। जो आप क्या पता कह रहे हैं वो आपका निगेटिव संकल्प है या पॉजिटिव संकल्प है? निगेटिव संकल्प चलाने के लिए बाबा ने बोला? नहीं बाबा ने तो बोला, लेकिन हम सोचते हैं कि लेकिन हमको नेगेटिव आ जाता है। बाबा विजिटिंग कार्ड उसी को देना जो अपना खास होता है, रास्ते चलते लोगों को तो फिर संदेश देना हर एक को थोड़ा देना। नहीं, हमारा ट्रेन में जा रहे हैं, वार्तालाप हो रहा है, हम देख रहे हैं कि वो व्यक्ति कान हिला रहा है, हमारी बातें मान रहा है, उसके ऊपर थोड़ी छाप पड़ रही है, प्रभाव पड़ रहा है, तो कम से कम कुछ और लिटरेचर नहीं दे सकते हैं? कार्ड तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। वो फिर भी फेंक दे तो? हैं? ये आपने नेगेटिव संकल्प चलाया या पक्का है? नेगेटिव संकल्प है, पॉजिटिव ही जाना है, ये उसके ऊपर डिपेंड है। चलाना है। आपने क्यों कैसे लगा लिया नेगेटिव? यहाँ पे मांडे थे ना,
तो उन्होंने रोड पे फेंक दिए, वो कई भाइयों ने देख लिया। उन्होंने माने कि उन्होंने कितने ज्यादा आदमियों ने, आपके बोलने से ही असत्य साबित हो रहा है। उन्होंने उन्होंने माने जितना ग्रुप था उन्होंने सबने फेंक दिए। ऐसे हो सकता है? पांचों उंगलियां एक जैसी हो सकती हैं? ये आपने नेगेटिव संकल्प चलाया। आप अपने ही प्रयास के लिए, अपने ही पुरुषार्थ के लिए, अपनी ही सेवा के लिए ऐसे नेगेटिव संकल्प चलाने के आदि क्यों हो रहे हैं? बाबा जो अज्ञानी आत्मा है वो ज्ञान में नहीं चलती, बहुत समझाते हैं नहीं चलती, तो उसकी यदि मनसा सेवा करनी हो तो कैसे करें कि बाबा के सामने जैसे उस आत्मा को बिठा दे और दृष्टि दे उसको डायरेक्ट सर्च लाइट बाबा द्वारा? रावण ज्ञानी आत्मा है, ब्राह्मण था और वो ज्ञान में नहीं चलता था, चोरी चकारी करता था स्त्रियों की, औरतों को भी विचारणी बनाता था अपने राज्य में, तो उसको ज्ञानी कहेंगे? आप क्यों ज्ञानी कहते हैं उसे? नहीं, मैंने बोला अज्ञानी है जो, मतलब तो उसको थोड़ा सा मनसा सेवा तो करें ना, थोड़ा सा अच्छी बात है मनसा सेवा द्वारा उसको बाबा का सकाश दे। जो जो धन की सर्विस से नहीं हो सकता है, द्रव्य की सर्विस से नहीं हो सकता है, रो अच्छा खाना खाना खिला दिया पिला दिया, उससे भी उसकी मनसा परिवर्तित नहीं होती है, तो आप मनसा सेवा जो अचूक है उसमें तो लग सकते हैं ना। और उससे उस आत्मा के संस्कार चेंज होंगे आस्ता आस्ता फिर उससे। हाँ, जब उसके संस्कार ढीले पड़ेंगे तो जरूर असर होगा। और बोलते हैं कि अंत में बाप का कोई सहयोगी नहीं रहता, जो आठ है वो भी सहयोगी नहीं। हाथ उठाइए। हाँ, क्या वो किस तरह से सहयोगी बन जाते हैं? क्या वो पांच तत्वों के आकर्षण में आ जाते हैं या श्रीमद का फॉलो नहीं करते? एक बार और रिपीट करिए। जैसे अष्टदेव है, सहयोगी पहले अंत में कोई सहयोगी नहीं रहता बाप का, तो क्या पांच तत्वों के आकर्षण में आ जाते हैं अष्टदेव? कोई सहयोगी नहीं रहता, तो पांच तत्वों के आकर्षण में आ जाते हैं इसलिए सहयोगी नहीं रहते, इसलिए ऐसे सहयोगी नहीं रहते, बाप के सहयोगी नहीं रहते। पांच तत्व माने प्रकृति, और प्रकृति ने हाथ मिला लिया अंत में जाकर के माया से, है ना? माया सब शक्तिवान है, फिर माया के लिए बाबा बोलने लगे कि माया थक गई है, माया तंग आ चुकी है, तो जब थक गई है तंग आ गई है तो माया कमजोर पड़ गई या सर्वशक्तिवान है? कमजोर पड़ रही थी, लेकिन जैसे ही कमजोर पड़ रही थी वैसे ही माया ने क्या कर लिया है? जिसे देखा कि हमसे ज्यादा पावरफुल है, सारी सृष्टि का विनाश कर सकती है। पांच तत्व है, जब विकराल रूप धारण करते हैं तो सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है, ऐसी प्रकृति से उसने हाथ मिला लिया, तो माया बुद्धिमान हुई ना, है? बुद्धिमत्ता से उसने काम लिया, प्रकृति से उसने हाथ मिला लिया। अब माया का हाथ और प्रकृति का हाथ दोनों मिलकर के डबल हाथ होते हैं, एक एक 11 हो गए। और जो प्रकृति है जगदम्बा का रूप है, वो कौन से वंश की है? चंद्रवंशी। कोई वंश उसका पक्का है कि नहीं? चंद्रवंशी है। जो चंद्रवंशी जगदम्बा है वो जगदम्बा चंद्रवंशियों से हाथ मिलाती है या नहीं मिलाती है? अंत में चंद्रवंशियों से हाथ मिलाती है। और चंद्रवंशियों का जो बाप है वो कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा की गोद में कितने धर्म की आत्माएं पलती हैं? है? सभी धर्मों की मनुष्य आत्माएं चंद्रमा की गोद में पलती है। क्या सूर्यवंशी कुछ समय बेसिक के अंडर में नहीं पले? तो चंद्रवंशियों की गोद में रहे या नहीं रहे?
तो प्रकृति ने क्या किया, माया ने प्रकृति का आधार लिया, प्रकृति से हाथ मिलाया, और प्रकृति ने चंद्रमा, माया से तो हाथ मिलाया लेकिन साथ साथ चंद्रवंशियों को सहयोग दे दिया, तो सारी पासा पलट जाती है। बस माया जो है वो सर्वशक्तिमान साबित हो जाती है। एक को छोड़ करके जो प्रकृतिपति है प्रैक्टिकल स्टेज में, उस एक को छोड़ करके सारी दुनिया माया के अधीन हो जाती है या नहीं हो जाती है? एक भी नहीं बचता, सब पराधीन हो जाते हैं। इसलिए कहा गया कि मैं सर्वशक्तिवान हूं तो माया भी सर्वशक्तिवान है, आधा आधा हो जाता है। जैसे बाबा कहते हैं कि माया और प्रकृति ने दोनों हाथों में, अरे उतनी दूर काहे के लिए बैठ गए जाके, दोनों हाथों में झाड़ू पकड़ लिया, दोनों हाथों में झाड़ू पकड़ लिया पीछे से। अभी अभी दिल्ली में एक है? है? दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी आई है, उन्होंने भी चुनाव का निशान जो है झाड़ू झाड़ू दिया है, और दिल्ली में उन्होंने सफाया भी किया है, तो अपना भी सफाया हो गया। हमारी दुनिया में और बाहर की दुनिया में भी झाड़ू आ गया। हाँ हाँ, हमारी दुनिया में पहले से ही बता दिया बाबा ने, प्रकृति दोनों हाथों में झाड़ू लेके खड़ी है। लेकिन जो दुनिया में जो झाड़ू वाली पार्टी है, क्या वो क्रिश्मा कुछ कर पाएगी? क्रिश्मा कर पाएगी? उसके कर, जो करिश्मा करने वाली पार्टी है जिसके हाथ में झाड़ू था, उसको धराशाई कर दिया कि नहीं? अभी रेजिग्नेशन दे दिया उसने। क्या गलती की उसने? उस पार्टी ने वही गलती की जो एडवांस पार्टी ने 76 में गलती की थी, जो जनता पार्टी ने 76 में गलती की थी। क्या गलती की थी? समन्वय की कमी थी। नहीं, ये गलती की बाबा ने ये तरीका बताया, किसी देश को जीतना होता है तो उसके चारों ओर घेराव डाला जाता है, तब आक्रमण किया जाता है। तो जनता पार्टी ने क्या गलती की? दिल्ली की सातों सीटों को जीत लिया, अंदर ही अंदर पूरा आक्रमण कर दिया और चारों तरफ का दबाव नहीं झेल सके, ऐसे ही ये झाड़ू पार्टी का हिसाब हुआ। लेकिन अभी तो बाबा वो चारों तरफ घेराव डाल रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, आगे भविष्य में क्या होता है, अभी स्थिति क्या है? अभी तो सभी पार्टियां सब कुछ अपना अपना प्रयास कर रही है, भविष्य में क्या होता है वो देखना है। हमें ज्ञान की दृष्टि से दिखाई पड़ता है क्या है कि सारी दुनिया के लोग तिनके का सहारा लेने के आदि हैं, या चंद्रकांत वेदांत का सहारा लेते हैं, तिनके के सहारे के पीछे पागल हो जाते हैं। और उन्होंने लिखा हुआ अब झाड़ू चलेगा, सही चलेगा, अब बोर्ड लगाए हुए उन्होंने। अल्पकाल के लिए जादू चलता है माया का, कि सदाकाल के लिए जादू चलता है? अल्पकाल। और सदाकाल का जादू किसका चलता है? सदाकाल का जादूगर एक है। और बाबा ने बोला कि बाप दादा बच्चों में सेवा करने के लिए नंबरवार प्रवेश करते हैं, नंबरवार प्रवेश करते हैं बाप दादा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो बाबा क्या बच्चों के अंदर उनकी प्रवेशता कुछ ऊपर कुछ असर पड़ता है, जैसे चरम हो रहा चेंज हो या कुछ? वो बीज रूप स्टेज में प्रवेश करते हैं या भूत प्रेत की स्टेज में प्रवेश करते हैं? सूक्ष्म शरीर से, सूक्ष्म शरीर से बाबा करते तो बीज रूप में, लेकिन दादा वाली आत्मा वो तो अभी संपूर्ण नहीं है ना। अच्छा, जब दादा वाली चंद्रमा वाली आत्मा, ब्रह्मा ज्ञान चंद्रमा वाली आत्मा राम वाली आत्मा में आकर बैठती है तो बीज रूप स्टेज हो जाती है या आकारी स्टेज रहती है? तो फिर तो बाप दादा दोनों कंबाइंड हो गए ना। और बाबा श्रीनगर को पैराडाइज ऑन अर्थ क्यों बोलते हैं, कि श्रीनगर जो है ये पैराडाइज ऑन अर्थ है?
यहाँ पे क्या स्वर्ग स्थापन होता है? और दुनिया वाले कहते हैं, दुनिया वाले स्थूल फूलों को देख करके कहते हैं कि चैतन्य फूलों को देख करके कहते हैं, वहाँ स्थूल फूलों का नजारा देखने को मिलता है इसलिए कहते हैं। वास्तव में है चैतन्य फूलों की बात, ऐसी दुनिया का संगठन तैयार हो जहाँ सब चैतन्य फूल हो, खुशबू वाले फूल हो। और बाबा ने जो बोला है कि 4.5 लाख आदमी होगा, इंडिया सब खाना पीना रहना होगा, अभी नहीं हो रहा है, सब कुछ तेज हो गया अभी नहीं, उसका फाउंडेशन अभी नहीं पड़ रहा है। नहीं तो ये एक ही जगह पे होगा, एक ही जगह पे सभी आदमी, जब एक ही जगह पे होगा तो वो एक ही स्थान पर स्वर्ग होगा, सारी दुनिया में होगा, अभी बिखरा हुआ है, अभी चारों ओर से संगठन घेराव पड़ रहा है, घेराव पड़ते पड़ते जब घेराव संपन्न हो जाएगा तो फिर दिल्ली में जमुना के कंठे पर आखिरी दबाव डाला जाएगा। और बाबा आत्मा शब्द का अर्थ क्या है? आत्म माने अपना, क्या आत्मा माने अपना, जो अपना है वही आत्मा है। हम अपनी आत्मा को ज्यादा प्यार करते हैं या बाप को ज्यादा प्यार करते हैं? पहले अपनी आत्मा को प्यार करते हैं। और बेहद में नॉर्थ पोल और साउथ पोल किसे कहेंगे? बेहद में नॉर्थ पोल और साउथ पोल किसे कहेंगे? नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल सूर्य की जो रोशनी पड़ रही है वो नॉर्थ की ओर जो रोशनी पड़ रही है पृथ्वी पर, उसे नॉर्थ पोल कहा जाता है। वो भी तिरछी किरणें जाती है, और साउथ की ओर जो तिरछी किरणें जा रही है पृथ्वी के साउथ की ओर, वो है साउथ पोल। नॉर्थ पोल में कहते हैं उत्तरी दिशा में देवताएं, और दक्षिण में आसुरी आत्मा। दक्षिण माने वाम मार्ग, राइटियस माने देवताएं, देव मार्ग। और ये भक्ति मार्ग का पसारा फैला हुआ है, अभी जब ज्ञान से दक्ष होगा तो सब ये पीछे हो जाएंगे, तुरंत ही पीछे हो जाएंगे। आस्ते आस्ते हैं, आस्ते आस्ते होगा, आस्ते आस्ते होगा। और बाबा वो इंडोनेशिया में बाली करके एक जगह है, इंडोनेशिया में बाली करके एक जगह है, बालिग बाली 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 बाली, बाली। वो रामायण में जो बाली था उसके नाम से है वहाँ पे, वो है? लोग वहाँ पंडित हैं और बाली के जो वानर जैसी शक्लें हैं सब मूर्तियां बनाई हुई हैं। तो कहते वो सारा ही इंडिया था पहले, अभी वो मतलब एशिया, कोई नई बात थोड़ी ही है। इंडिया के आसपास के जो भी देश हैं, लंका हो चाहे नेपाल हो चाहे भूटान हो चाहे बर्मा हो चाहे ये इंडोनेशिया हो मलेशिया हो पाकिस्तान हो बांग्लादेश हो, ये सब भारत के ही अंग थे पहले, अभी भारत खंडित तो हो गया है। क्या? भारत माता का खंडन हो गया है, खंडन होने से स्थिति खराब हो गई भारत की, भारत पतित हो गया। तो रामायण के वो करेक्टर्स वहाँ मतलब, वो तो भक्ति मार्ग की बातें हैं ना, ज्ञान मार्ग है, भक्तों ने ये बातें बनाई हैं, नाम रखे हैं या ज्ञान के आधार पर नाम है। तो अभी ये शूटिंग जो हो रही है वास्ट में कैसे होगी, अभी जब ब्रॉड ड्रामा में ये कैसे होगी शूटिंग? रामायण अभी शूटिंग नहीं हो रही है बाली की, बाली के लिए बताया गया है कि जो उसका सामने करता है उसकी तादी ताकत वो खींच लेता है। तो अभी कौन सी आत्मा है, किस आत्मा का ये पार्ट है कि अगर उसका सामना करेंगे तो आधी ताकत उसमें चली जाएगी, कौन सा पार्ट है?
इसलिए मुरली ने बोला है उसका सामना कभी नहीं करना चाहिए, बाप का सामना नहीं करना चाहिए। बाबा दो तीन टर्न पहले ना दादी गुलजार में वो ब्रह्मा बाबा के ना आह्वान किया, वो नहीं आए, फिर उठ के दादी को ले गए, अंदर ले गए, फिर थोड़ी आधे घंटे के बाद फिर दोबारा बिठाया, फिर बस ऐसे ही हाथ किया और कुछ नहीं बोले, बस एक वर्ड में कुछ। आप बीके की बातें बहुत बोलते हैं, आप बीके की बातों का सारा पता है आपको, दिन प्रतिदिन का पता है, इसका मतलब आपका एक पांव एक संग उधर जा रहा है, एक संग एडवांस में भी जा रहा है ना। अगर अगर कोई आदमी दो नाव पैर रखेगा तो क्या हाल होगा, है दोनों टांगे चिर जाएंगी। बाबा टीवी पे दे रहे हैं, टीवी पे देते हैं ना आजकल, लाइव आने लगे, जो भी कुछ दे रहे हैं, अगर हमें निश्चय है कि हमें सच्चाई मिल गई तो हमारा पांव सत्य की ओर होना चाहिए या असत्य की ओर होना चाहिए, हमारा टाइम कहाँ जाया जाना चाहिए, सत्य में जाना चाहिए। हम तो खुश होते हैं कि ब्रह्मा बाबा आस्था आस्था समझ रहे हैं, तभी लेकिन आपकी टांगे उधर क्यों जा रही है? टांगे नहीं क्लियर कर रहे हैं। अरे क्लियर तभी करेंगे कि जब क्लियर नहीं हो रहा है। आप जैसे संघ में जा रहे हैं जहाँ सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा है, आप क्या क्या क्लियर करेंगे, वहाँ की अंधेरे की बातों को ही तो यहाँ सारा क्लियर किया गया है। बाबा ऊंची स्टेज आने के लिए आत्मा की जो सूक्ष्म स्टेज है, सूक्ष्म रूप है, उसको पकड़ना है या मोटे रूप में? माना आत्मा का मोटा रूप है शरीर, शरीर का जो सबसे नीचा अंग है पांव, एड़ी से लेकर उंगलियों तक अंगूठे तक, उसमें एक सुई चुभो दो तो दुख होता है ना, है जो दुख होता है वो शरीर को दुख हो रहा है या आत्मा को दुख हो रहा है? और आत्मा कहाँ है? ब्रकुटी में, आत्मा ब्रकुटी में है, तो आत्मा की शक्ति सारे शरीर में फैली हुई है ना, तो कहाँ उत्थान करना है, है? उत्थान करने का स्थान कौन सा हुआ, अंगूठे में याद करें या आत्मा का जहाँ स्थान है वहाँ एकाग्र करें? आत्म की स्थिति में रहेंगे तो हमारा उत्थान होगा। अधि आत्म का मतलब ही है अधि माने अंदर, आत्मा ने आत्मा, आत्मा के अंदर रहना माना आध्यात्मिकता में रहना। बाबा कहते हैं कि रावण तुम बच्चों की राजधानी स्थापन करने में 20 नाखून का जोर लगा रहा है, इसको थोड़ा क्लियर कीजिएगा। अरे माउंट आबू में जो तैयारियां हो रही हैं, जो हाल तैयार हो रहे हैं, वो आपके काम नहीं आएंगे? ये सिर्फ माउंट आबू के लिए लागू होता है या बाहर की दुनिया के लिए? हाँ हाँ, जितने भी सेंटर्स तैयार हो रहे हैं बड़े बड़े देश में विदेश में, वो आपके काम नहीं आने वाले हैं, है? तो वो 20 नाखूनों का जोर दे करके काम नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं? क्या ये बाहर की दुनिया के लिए भी लागू होता है? बाहर की दुनिया के लिए पहले लागू होगा या ब्राह्मण बच्चों के लिए पहले लागू होगा? ब्राह्मण बच्चों के लिए लागू होगा या दोनों के लिए? पहले बाहर की दुनिया संपन्नता की स्टेज में पहुंचेगी या ब्राह्मणों की दुनिया संपन्नता की स्टेज में पहुंचेगी? ब्राह्मणों की दुनिया पहले संपन्नता की स्टेज में पहुंचेगी, जिन्होंने तन मन धन ईश्वर के लिए जाया किया है, चाहे बेसिक में चल रहे हैं चाहे एडवांस में चल रहे हैं, उनका पहले उत्थान होगा या दुनिया वालों का उत्थान होगा? पहले ब्राह्मण बच्चों का उत्थान होगा। और बाबा यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है, हाँ? तो आत्मिक स्थिति में ही लगातार कोई कुछ भी करे, सिर्फ हाँ? आत्मिक स्थिति में रहना, वही धर्म युद्ध का खेल सबसे अच्छी। कोई लड़ रहा है गालियां दे रहा है, हम भी गालियां देना शुरू कर दें, कोई ग्लानी कर रहा है चारों तरफ ग्लानी कर रहा है, अखबारों में टीवी में रेडियो में इंटरनेट में सारी दुनिया में ग्लानी फैरा, हम भी ऐसा ही करना शुरू कर दें, तो वो ज्यादा पावरफुल बात है या सबसे अच्छी चुप? तो आत्मिक स्थिति में स्थित रहो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। ढोल पीटने वाले ढोल पीटते पीटते थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे।
इसलिए मुरली में बोला वो अखबार वाले कुत्तों की तरह भू भू करते रहेंगे, तुम कुछ भी न करो। तो क्या हम कुछ भी न करें, ऐसे ही नील में बैठे रहेंगे क्या? अपनी आत्मिक स्थिति में रहेंगे, बाबा को याद करेंगे। और निराकार साकार में निराकार को याद करना है, तो साकार तो याद आ गया है, पहले साकार को याद तो आ गया, साकार की याद तो आएगी। फिर निराकार को याद करना, हाँ निराकार को याद करें, साकार को याद करें, हैं? साकार में निराकार को याद करना है, तो साकार तो याद आएगा ना। 63 जन्म हिसाब किताब किसके साथ रहा है? तो जिसके साथ 63 जन्म की प्रैक्टिस पड़ी हुई है वो खींच लेगा या निराकार ज्यादा खींचेगा? साकार ज्यादा याद पड़ेगा। अब ये भी कोई जरूरी नहीं है, हरेक को याद पड़ेगा। जिन आत्माओं ने 63 जन्म भारत के ऊपर आक्रमण किए हैं, भारत के स्वायत्त को तहस नहस किया है, उनको याद पड़ेगा? उनको नहीं याद पड़ेगा। लेकिन जो लगातार नजदीक रहे हैं, सहयोगी बनकर के रहे, मान लो अष्टदेव हैं, तो उनको बर्बत साकार याद आएगा या नहीं आएगा? आएगा। लेकिन प्रयत्न क्या करें, वो उसमें निराकार को याद जरूर रखें, ये अटेंशन देना है, तो टेंशन उनका खत्म हो जाएगा। सबसे पहले पुरुषार्थ नारायण को याद करना, हाँ नारायण बड़ी आत्मा को याद करना। तो नारायण बन गया अभी कि बनेगा? तो स्टेज अपनी बना के रखने के लिए कैसा? बाहर वालों का संग करें, बाहर की दुनिया बनी काय के लिए? संग का रंग लेने के लिए बनी है ना। जहाँ मुरली में बोला है, जहाँ रहने से, जिसके साथ रहने से अच्छी अवस्था बनती हो वहाँ रहना चाहिए। तो कोई बुद्धिमान ऐसे हैं कि विदेश में बड़ा चकाचक है, बाल बच्चे बैठे हुए हैं, अच्छी परवरिश करेंगे तो वहाँ बैठना अच्छा है ना। भले भगवान का सत्संग मिले या न मिले, सही बात है कि नहीं? और अगर वहाँ रह के भी बाप ही याद आते रहे, हाँ जैसा संग वैसा रंग नहीं लगेगा। एक भगवान ऐसा है इस दुनिया में, सुप्रीम सोल, जिसको संग का रंग नहीं लगता है, बाकी सबको। एक आप स्पेशल आत्मा हो जाएंगे, आप तो बाप समान हो जाएंगे, तो बल्ला ही बल्ला, तो वाह वाह हो जाएगी। परिस्थितियाँ ऐसी हो वो परिस्थितियाँ हैं कि स्व स्थितियाँ हैं, स्व माने आत्मा, पर माने बाल बच्चे, देह के संबंधी, दैहिक स्थान। स्वस्थिति में कमी है तभी तो ये आता है परिस्थिति, तब नहीं आता है, संग का रंग करने से आता है, अन्न दोष और संग दोष लेने से आता है। दो ही कारण है पतन के, संग दोष और अन्न दोष। और ओम शांति।